हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास बीटा फंक्शन। फ्रेंड्स, बीटा फंक्शन क्या होता है? ये होता है 0 to 1 एक्स पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस वन ऑफ डी एक्स, वेयर एम ग्रेटर देन 0, एन ग्रेटर देन 0। फ्रेंड्स, इसको हम बीटा एम एन से शो करते हैं। बीटा एम एन बराबर 0 to 1 एक्स पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये होता है फ्रेंड्स। और तथा इसको हम जो पढ़ते हैं उसको हम बीटा बीटा एम एन पढ़ते हैं, ये हो गया। अब इसको हम कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर एक्स बराबर कुछ जैसे हम चेंज करना चाहें तो एक्स बराबर 1 माइनस वाई रखें, एक्स बराबर 1 माइनस वाई रखें तो बीटा एम एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 to 1 एक्स हो जाएगा 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई, 1 माइनस एक्स, और एक्स से हम लिखना है 1 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा ओनली वाई, ये तो एम माइनस वन, ये हो जाएगा वाई की पावर एन माइनस वन, और डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी वाई, तो ये माइनस डी वाई, ये हो गया फ्रेंड्स अपने पास 0 to 1 वाई की पावर एन माइनस वन, 1 माइनस वाई, एम माइनस वन, ऑफ डी वाई। और फिर साथ में यहाँ पे माइनस का साइन भी आ रहा है, माइनस का साइन, तो ये होगा 0 to 1 वाई की पावर, हाँ यहाँ पे हम लिमिट देखते हैं, तो लिमिट है अपने पास यहाँ पे एक्स बराबर 0 पे, वाई बराबर, लिमिट अपने पास से आई है एक्स बराबर 0 पे, वाई बराबर अपने पास आता है 1, तो यहाँ से लिमिट जो आई है वो 1 to 0, ये लिमिट आई है फ्रेंड्स। अब हमने इस लिमिट को चेंज किया है, तो लिमिट को चेंज किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया वाई की पावर एन माइनस वन, 1 माइनस वाई की पावर एम माइनस वन और डी वाई। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम फिर बीटा एन एम लिख सकते हैं। अगर फिर हमारे पास एक रिलेशन आ गया है वो है बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम, ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है बीटा फंक्शन में। अब अगर हम कुछ और तरह से करें इसी के लिए, इसको हम इक्वेशन फंस देता है, इसी के लिए हम कुछ और भी करें, जैसे एक्स बराबर वाई अपॉन 1 प्लस वाई से हमें चेंज कर रहे हैं, एक्स बराबर वाई वाई अपॉन 1 प्लस वाई से चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास। और इसे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी एक्स बराबर चाहिए हमारे पास, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन इसका कर दिया माइनस 1 प्लस वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई तो 1 आ जाएगा, माइनस वाई को छोड़ दिया डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस वाई का, तो वो 1 आ जाएगा अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर ऑफ डी वाई, ऑफ डी वाई, तो ये हो गया फ्रेंड्स सर 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई, तो डी एक्स बराबर आ गए 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर ऑफ डी वाई। इससे हमारे पास बीटा एम एन बराबर आ गया, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने वाई अपॉन 1 प्लस, जहाँ एक्स है एक्स है वहाँ पे वाई अपॉन 1 प्लस में पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन 1 प्लस वाई इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई ऑफ डी वाई, सॉरी डी डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर ऑफ डी वाई। अब यहाँ पे साथ ही हम देखते हैं जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है। अगर हम एक्स बराबर 0 पुट करें फ्रेंड्स, एक्स बराबर अगर हम इसमें 0 पुट करें, क्योंकि एक्स बराबर यहाँ 0 पुट किया तो वाई बराबर 0, और एक्स बराबर 1 पुट करें हम तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, फिर एक्स बराबर अगर 0 पुट करें हम यहाँ तो ये हो जाएगा अपने पास 0
और अगर वन पुट करें तो वन प्लस वाई इक्वल टू वाई, तो वाई बराबर कोई हमारे पास वाई कोई डिफाइन नहीं रहेगा, तो वाई बराबर इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। वाई इन्फिनिटी हो सकता है क्यों, वन प्लस वाई इक्वल टू वाई, तो वाई से वाई कट जाएगा। तो इस कंडीशन 0 टू इन्फिनिटी, ये इसकी हमारे पास लिमिट आ चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वन अपॉन, ये तो यहाँ पे इसकी पावर एम माइनस वन है और इसकी पावर है जो एन माइनस वन है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो हम हो जाएगा वाई की पावर एम माइनस वन, और ये हो जाएगा ये इसको करेंगे तो सो वन प्लस वाई, तो इसका एलसीएम आएगा वन प्लस वाई माइनस वाई, तो ये वन रह जाएगा ऊपर, तो और नीचे रह जाएगा वन प्लस, जो नीचे रह जाएगा वो हो जाएगा वन प्लस वाई की पावर एम माइनस वन और वन प्लस वाई की पावर एन माइनस वन, वन प्लस वाई का होल स्क्वायर ऑफ डी वाई, 0 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट है फ्रेंड्स। ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर एम प्लस एन ऑफ डी वाई। फ्रेंड्स ये चेंज हो गया है, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं बीटा एम एन बराबर क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर एम प्लस एक्स पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन ऑफ डी एक्स। ये हमारे पास ये कोरिलेशन आ गया, बीटा एम प्लस वन को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एम की पावर एम प्लस एन ऑफ डी एक्स। अब फ्रेंड्स अगर बीटा एम प्लस एन बराबर हमारे पास क्या है, हम जानते हैं 0 टू 1 एक्स पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन ऑफ डी एक्स। अगर हम इसमें चेंज करें एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग चेंज करें तो हमारे पास लिमिट जो रहेगी वो देख लेते हैं। पहले 0 पे 0 हो जाएगा और 1 पे पाई बाई 2, तो लिमिट हो जाएगी हमारे पास, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं इसके इक्वल में 0 टू पाई बाई 2 एक्स बराबर हमें क्या लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2m-2θ कुछ तक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर एन माइनस वन, और यहाँ से डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 sin θ cos थीटा ऑफ डी थीटा, तो हो जाएगा 2 sin θ cos थीटा ऑफ डी थीटा। फ्रेंड्स ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m-1, लेकिन यहाँ से साइन थीटा और का मल्टीप्लाई और हो रहा था, तो ये हो जाएगा साइन 2m+1 सॉरी साइन 2m-1 थीटा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2n-2 कोस स्क्वायर 2n-2, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक ऐड करना है तो कोस स्क्वायर 2n-1, जो 2 है ये 12 आ जाएगा अपने पास एन डी थीटा। ये भी हमारे पास फिर से एक चेंज हो चुका है इसका। अब फिर से हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। अब रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा के बीच में हम रिलेशन पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें हम जानते हैं गामा एम एन अपॉन बराबर होता है बीटा एम एन अपॉन होता है गामा एम प्लस एन। फ्रेंड्स ये हमारे पास रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन आता कैसे है ये शो करते हैं, इसको शो करने के लिए शो कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये शो करने के लिए हम सबसे पहले गामा एन एम बराबर हम जानते हैं सॉरी गामा एन बराबर हम जानते हैं जो गामा एन हमने पहले पढ़ा था वो क्या था अपने पास फ्रेंड्स 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन माइनस वन ई पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, ये हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, और हमने साथ में ये भी पढ़ लिया था हमने
कि अगर गामा फंक्शन में एक्स की जगह ए जेड रख दें, एक्स एक्स को हम अगर ए जेड से चेंज कर दें, ए जेड से रिप्लेस कर दे, तो हमने पढ़ा था ये आ जाता है अपने पास ए की पावर एन जेड की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए जेड ऑफ डी एक्स, ये होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहां पे अगर हम ए को तो जेड से रिप्लेस करें और जेड को एक्स से रिप्लेस करें, यानी कि हम कर रहे हैं एक्स बराबर जेड ए ये लेके चल रहे हैं, सॉरी एक्स बराबर एक्स ए से एक्स जेड से रिप्लेस कर रहे हैं एक्स जेड से, तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड की पावर एन जीरो टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स पावर एन माइनस वन एक बार माइनस जेड एक्स ऑफ डी एक्स।